मिल रही है जहां गुजरात एटीएस ने आईसिस के मॉड्यूल को पकड़ लिया है। खबरों की अगर माने तो एक महिला समेत चार लोगों को पोरबंदर से पकड़ा गया है। चारों लोग आईसिस के सक्रिय ग्रुप के सदस्य। छापेमारी के दौरान कई प्रतिबंधित चीजें भी मिली है। वहीं एक और शख्स को पकड़ने के लिए टीमें इस वक्त लगातार छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। चार आरोपी पोरबंदर से गिरफ्तार किए गए हैं। जनक ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, क्या और जानकारी मिल पा रही है, कौन ये चार लोग थे, क्या और इन पर आरोप? देखिए, गुजरात एटीएस ने कल रात को पोरबंदर में बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों लोग आईसिस के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ रेडिकलाइज हुए, लंबे समय से ये आईसिस के लिए काम कर रहे थे और चारों यहाँ से विदेश भागने की फिराक में थे। दरअसल सुमेरा नाम की एक महिला भी इस गिरोह की सदस्य है जिसमें उसकी गिरफ्तारी की गई है, जो सूरत से, मूलतः सूरत से है। तो गुजरात एटीएस को ये कुछ समय से इनपुट था और गुजरात एटीएस पर नजर भी रख रही थी। तो कल रात से ही जो डीआईजी दीपन बद्रेन, एसपी सुनील जोशी के साथ एटीएस की टीमों ने लगातार छापेमारी की और पोरबंदर से चार लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से कई प्रतिबंधित चीजें जिसमें कई जिहादी मटेरियल और जो हथियार भी कुछ है वो भी उनके साथ से पकड़े गए। का बहुत बड़ा पर्दाफाश कर दिया गया है। जनक, कोई और अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर हुए गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में अब अतीक अहमद की एंट्री हो गई। हालांकि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को ही कर दी गई थी, लेकिन अब संजीव जीवा मर्डर